हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। ये श्लोक हमने लिया है। रेणुका माता जी म्यूट करिए प्लीज अपना मोबाइल। अर्थ है इसका, यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया यज्ञ, भगवान का नाम भी है, और यहाँ पे यज्ञ जो किया जाता है वो एकमात्र यज्ञ या विष्णु, भगवान विष्णु के लिए किया गया, अर्थात यानी भगवान विष्णु के लिए किया गया यज्ञ। कर्मण कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोकः संसार, अयम यह कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन, तत उस अर्थम के लिए कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संगह संग से फल आकांक्षा से युक्त मुक्त समाचर भली भांति आचरण करो। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इस श्लोक में चार शब्द जुड़े हुए हैं। पहला जो शब्द है उसमें चार शब्द जुड़े हुए हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र, कर्मणः अन्यत्र। तो यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, ये चार शब्दों का संधि हुआ है। संधि होने के बाद वो कर्मणः बन गया कर्मणो न्यत्र, कर्मणो न्यत्र। पढ़ते समय, याद करते समय आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगी। यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र, ये एक्चुअल में शब्द है। दूसरा शब्द है लोकः और अयम, ये दो शब्द को जोड़ा गया है। लोकः अयम, लोकोयम, लोकोयम। तीसरा है कर्म बंधनः, कर्म और बंधनः, ये दो शब्दों को जोड़ा गया है यानी संधि किया गया है, कर्म बंधनः। और दूसरे लाइन में एक साथ छोटा सा शब्द है मुक्त संगह, मुक्त संगह। वैसे समाचर में भी दो शब्द है, पर वो ठीक है, वो पहले से ही समाचर बना हुआ है, उसमें दो शब्द करके प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य बड़ा सा लिखा है, परंतु हम श्लोक याद करेंगे, इसलिए हम सिर्फ श्लोका के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब हमें किन किन शब्दों को देखना है, फोकस करना है या कंसंट्रेट करना है, याद करना है, वो हम देखते हैं। अर्थ ये है कि एकमात्र भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, यज्ञ समझकर, यज्ञ रूप में। यदि हम भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करते हैं तो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। यदि हम भगवान विष्णु के लिए कर्म करते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो मुक्त रहते हैं। बस दो ही चीज़ समझना है, यदि भगवान विष्णु के लिए यानी कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। यदि हम भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं तो कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तो हमारे जितने भी कर्म हैं उनको भगवान का यज्ञ समझकर करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। अब याद करते समय यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र,
यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। और आसान करना है तो यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, ऐसे करना होगा, लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो अन्यत्र के बाद कोमा, कौन्तेय के बाद कोमा, अपने सुविधा के लिए, अर्थात वहाँ पे छोटा सा विराम, अर्ध विराम, स्मॉल पॉज। याद करना है किन शब्दों को, यज्ञ अर्थात, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र, कर्मणः अन्यत्र जैसा लगे, लोको अयम कर्म बंधनः, कर्म बंधनः बिल्कुल आसान है, लोको अयम भी आसान है, और कर्मणो अन्यत्र भी बोलेंगे तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है पर चलता है। तो इसलिए पढ़ के सुनाती हूँ, इसके बाद सीखेंगे कैसे बोलना है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। अब जो प्रैक्टिस मेरे साथ नहीं कर रहे हैं उनको कैसे इसको सीखना है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। यज्ञ अर्थात इस शब्द को 10 बार बोलिए, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र, 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 या कर्मणः अन्यत्र, कर्मणः अन्यत्र, ये 10 बार बोलना है। अब मैं दोनों क्यों बता रही हूँ, जो संस्कृत थोड़ा जानते हैं वो आराम से कर्मणोन्यत्र बोल देंगे, जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए कर्मणः अन्यत्र बोलना आसान है। लोकोयम, लोकोयम, लोकोयम। अब यहाँ दो शब्द अगर करते हैं तो लोकः अयम थोड़ा मुश्किल है, लोकः अयम बोलना पड़ेगा। कर्म बंधनः, इन शब्दों को 10-10 बार बोलना है। उसके बाद तदर्थम, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तदर्थम, तत् अर्थम, तत् अर्थम बन जाता है तदर्थम, छोटा छोटा दो शब्द है तत् अर्थम। कर्म कौन्तेय आसान है, मुक्त संगह समाचर आसान है। तो इस प्रकार जो मुश्किल शब्द है उसको 10 बार लगातार बोलना है, फिर प्रैक्टिस करना है, 15-20 मिनट में आपको श्लोक बोलने आ जाएगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर जो जो कर सकते हैं वो बोलेंगे हमसे गलत क्यों प्रोनाउंस करवाया, इसीलिए मैं 3 तरह का बता दी, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र ये सबसे अच्छा है, लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर, ये सबसे आसान मतलब सही है प्रोनाउंसिएशन। और अगर हमको मुश्किल होता है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर, थोड़ा बहुत थोड़ा सा गलत होता है पर चलता है। तो इस प्रकार हमें इसको याद करना है।